हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो लास्ट स्मैकडाउन लाइव का एपिसोड हो चुका है खत्म और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे WWE से जुड़ी या फिर हम समर स्लैम पेपर व्यू से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग एंड धमाकेदार अपडेट। जहां पर सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे लास्ट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में जो कि था समर स्लैम 2019 से पहले। इसके अलावा बात करेंगे रोमन रेंस के मिस्टीरियस अटैकर के बारे में जिसकी जो नाम है वो सामने आ चुका है, लेकिन क्या सही में उसने अटैक किया था रोमन रेंस पर, बल्कि इसके पीछे कौन है मास्टरमाइंड, इस वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में, क्योंकि एरिक रोवन नहीं थे वो बल्कि था वो कोई और सुपरस्टार। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होगी, आप इसे लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात कर लेते समर स्लैम 2019 से पहले लास्ट रॉ के एपिसोड के बारे में जो कि रॉ का काफ़ी अच्छा एंड इंटरेस्टिंग एपिसोड था। यहाँ पर हमें लेजेंड्स के रिटर्न दिखाई देते, इसके अलावा काफ़ी सारे तगड़े एंड धमाकेदार सुपरस्टार हमें आते हुए नज़र आते हैं। ब्रॉक लेसनर की भी रिटर्न होती है जिसके चलते यहाँ पर जो व्यूवरशिप है वो काफ़ी अच्छी आई और पिछले हफ्ते के मुकाबले 6.5% ज़्यादा है, क्योंकि जो पिछले हफ्ते व्यूवरशिप आई थी वो आई थी 2.321 मिलियन व्यूवर्स, लेकिन जो इस हफ्ते व्यूवरशिप आई है एवरेज वो आई है 2.473 मिलियन व्यूवर्स। और जो व्यूवरशिप है वो शोबज डेली की तरह उससे पहले घंटे की बात कर लें, यहां पर वो व्यूअरशिप आई है 2.411 मिलियन व्यूअर्स। दूसरे घंटे की बात कर लें, यहां पर व्यूअरशिप आई है 2.571 मिलियन व्यूअर्स। लास्ट एंड फाइनल घंटे की बात कर लें, यहां पर व्यूअरशिप आई है 2.438 मिलियन व्यूअर्स। तो कहीं ना कहीं WWE काफी अच्छी तरीके से बिल्डअप दिखा रही है समर स्लैम 2019 के पेपर व्यू को लेकर। तो कमेंट करिए, मुझे आप लोग जरूर बताना कि आप लोग एक्साइटेड हो फॉर समर स्लैम 2019 या फिर नहीं। लेकिन इसके अलावा बात कर लें एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में। इसके अलावा रोमन रेंस के अटैकर के बारे में जो कि लगातार उन पर अटैक कर रहा था पिछले स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड से, इसके अलावा रॉ के एपिसोड में भी, तो ये बात रिवील हुई आज के स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में बड़ी मफी की तरफ से कि जो फोर्थ प्लेट वाला एक्सीडेंट हुआ था रोमन रेंस के साथ स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में, वहां पर बड़ी मफी ने देखा था एरिक रोवन को। रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि वहां पर एरिक रोवन स्पॉट किए गए हैं, लेकिन आपको बता दूं उसके तुरंत बाद हम देखते हैं क्या स्क्रीन पर, वहां जो डैनियल ब्रायन है वो काफी ज्यादा खुद कंफ्यूज होते हैं। एरिक रोवन भी सोचते हैं कि यार मैंने हमला किया था कि नहीं किया था। कुछ ऐसे रिएक्शन हमें दोनों सुपरस्टार्स के फेस के ऊपर दिखाई देते हैं, एरिक रोमन के फेस पर इतना नहीं दिखता है, लेकिन स्टिल डैनियल ब्रायन के फेस पर हम देख सकते हैं काफी अजीब सा रिएक्शन कि हमने कब रोमन रेंस पर कर दिया अटैक, जिसके चलते यहां पर रोमन रेंस ने वार्निंग वगैरह भी दी है एरिक रोमन को स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड के खत्म होने के बाद। और आपको बता दूं फिलहाल समर स्लैम 2019 के लिए रोमन रेंस का कोई भी मैच कंफर्म नहीं हुआ, जिसके कारण मैं कह सकता हूं जो रॉ के एपिसोड में कार क्रैश वाला एक्सीडेंट हुआ था रोमन रेंस का वो कोई और अटैकर कर सकता है, एक न्यू ओपोनेंट निकल के आ सकता है सामने रोमन रेंस का, और वो हो सकता है पॉसिबली द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर। काफी लंबी राइवलरी चली है दोनों सुपरस्टार्स की WWE के अंदर। इसके अलावा हमने ये भी देखा या फिर कहूं हमने ये भी नोटिस किया कि सेथ रॉलिंस जो है वो रॉ के एपिसोड में लंगड़ा कर आ रहे थे और काफ़ी एक तरह कह सकता हूँ अपने आप को घसीटते हुए आ रहे थे रिंग के अंदर, जिससे मैं कह सकता हूँ अगर वो समर स्लैम 2019 में कम्पीट करते भी हैं तो कुल मिला के यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से वो पिटने वाले हैं, कोई चांस नहीं कि वो बन जाए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, जिसके चलते हो सकता है स्लैम 2019 के मैच से शुरू होने से पहले अटैक हो जाए सेथ रॉलिंस पर ब्रॉक लेसनर के थ्रू और उसके बाद रोमन रेंस कर देने प्लेस दी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस को। तो ये कुछ बड़े प्लान्स हो सकते हैं रोमन रेंस के लिए। और कमेंट करके मुझे आप लोग जरूर बताना आपके क्या थॉट्स हैं, क्या एरिक रोवन थे जिन्होंने कार क्रैश कराया रोमन रेंस का, या फिर ये भी हो सकता है जो फोर्थ प्लेट वाला एक्सीडेंट था वहां पर एरिक रोवन कहते मुझे किसी और ने कहा था वो अटैक करने के लिए और आखिरी में वो मुझे किसी और ने कहा था अटैक करने के लिए और आखिरी में जो नाम निकल कर सामने आए वो होगा द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। तो नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके मुझे आप लोग जरूर बताना आपके क्या थॉट्स हैं, क्या हो सकते हैं ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस की समर स्लैम 2019 के अपोनेंट या फिर नहीं। इसके अलावा कर सकते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि इन फ्यूचर आपको WWE रेसलिंग से जुड़ी ऐसी फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स डेली जानने को मिलती रहे। तो मिलता हूं आपसे अगले ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।